माँ खुशी दीदी, अभी मैं जो करने वाला हूँ वो देखकर प्लीज आप दोनों घबराना मत। तो क्या करने वाला है? विवान! ए जमजमा, मैं इधर हूँ। विवान! विवान! यही सही मौका है। विवान! विवान! तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ। ऑयल, मशाल और चिंगारी तीनों वस्तुएं मुझे मिल गई हैं। अब मैं इस काले ताज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। हो रही रस्सी। ये रस्सी तो यहीं पर है, पर यहाँ तो सिर्फ दीवार है। वो मम्मीज कहाँ है? हाँ, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो वो पूरा शव यहीं से गायब हो गए थे। इसका केवल एक ही अर्थ है कि वो गुप्त द्वार यही कहीं है। हाँ माँ, मैं भी जांच करता हूँ। वो द्वार इसी दीवार के अंदर है। बालवीर, तुम वहां जल्दी से जाओ। इस गुप्त द्वार की रखवाली हम करेंगे। Yes, we'll make sure कि कोई भी मम्मी इस दीवार को गेट क्रैश करके भारत नगर में एंटर ना करे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। Yes, अब मैं इसको किसी भी पल डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। Yes. तुमने मुझे गलत समझा। मैं तो वो हूँ जिससे राक्षस भी खौफ खाते हैं। दे मेरा ताज वापस दे। अगर तुम्हें ताबूत में जिंदा दफनाना मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें कब का मौत की नींद सुला चुका होता। दे मेरा ताज, दे। भाई वी।
करुणा जी, खुशी अब ठीक है ना? बालवीर, अब आप आ गए हैं तो हमें माया से पूछना जी कि माया जी आप ठीक तो हो ना? बालवीर! पार्टनर, लगता है ये हमें सीरियसली नहीं ले रहा, जरा इसे बालवीर वाली पावर दिखा। भैया, माया के रियल पावर का सोर्स एक काला ताज है, सो जब तक हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ये ऐसे ही हमारे साथ फुटबॉल खेलता रहेगा। रुको, इस काले शक्ति वाले ताज को अभी नष्ट मत करो, वरना यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और माया के साथ हम भी शुंडाकार स्तंभ में दफन हो जाएंगे। हमें करुणा जी और खुशी को घर पहुंचाना है और उसके बाद दूसरी दुर्लभ कुंजी प्राप्त करनी है। बालवीर! आराम से। हाकुनिन विराम। भाई तो भी बालवीर, जब माया ने ब्रह्मास्त्र के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे तो फिर आप अंदर कैसे आए? उसी गुप्त रास्ते से जिससे सिपाही पूरा शवे करुणा जी और खुशी को यहाँ पर लेकर आई थी, उसी गुप्त रास्ते से अब हम वापस जाएंगे। चलिए। अगर इन्होंने काली शक्तियों का ताज तोड़ दिया तो इनका पूरा ध्यान मेरे ऊपर आ सकता है, इसलिए मुझे बालवीर को अपना परिवार बचाए रखने के लिए उलझाए रखना पड़ेगा। बालवीर, ये ट्विस्ट कैसे आ गया? अब मैं बिना किसी रुकावट के शक्ति पुंज की दूसरी चाबी हासिल कर सकती हूँ। ये छोटी लड़ाइयाँ जीत के खुश हो जाओ बालवीर, मेरा मकसद तो चारों चाबी पाकर सर्वशक्तिशाली बनने का है। लगता है तिमनासा को पता चल गया कि मैं यहाँ पे शुंडाकार स्तंभ के अंदर हूँ। राक्षसों का मुखिया पत्थरों के बीच से निकल रहा है। अच्छा हुआ मैंने अभी भी ये ताज को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, क्योंकि अब इस ताज की मदद से हम पिरामिड के हर डोर को तोड़ फोड़ सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इस काली शक्तियों वाले ताज को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। लेकिन वो लोग इससे बाहर कैसे आएंगे बालपरी? हमारे पास, हमारे पास। क्या बात है, क्या हुआ? ज्वाला परी, आप ठीक है ना? हमें कुछ अजीब से दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिसमें रे और भयमार भी हैं। ये लोग वाले नकली कुछ पाकर लगता है 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, इसलिए परियों की मेमोरी रिफ्रेश हो रही है। चिंता मत करो रे, इन परियों की याददाश्त वापस आने से पहले इनका अपहरण हो चुका होगा। अब मुझे इस माया जाल की जरूरत नहीं है,
क्योंकि बहुत ही जल्द वो कुंजी मेरे हाथों में होगी। अब मुझे सर्वशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है तिमनासा को वो दूसरी दुर्लभ कुंजी मिल गई है और अब वो धरती का सर्वनाश करने से ज्यादा दूर नहीं है। बालवीर, तिमनासा तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें जल्द से जल्द उस दूसरी दुर्लभ कुंजी को तिमनासा से हासिल करना होगा। तुमने ठीक कहा था विवा, काली शक्तियों वाले ताज ने 200 टन के दरवाजे को रेत के ढेर की तरह तोड़ दिया। यस, और बालवीर आपकी ये बनाई हुई मैजिकल शिप भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, वरना अगर हम वहां से भागते हुए यहां आते तो अरे बोलो नहीं, सुनो, जल्दी से पहले इस ताज को जलाओ ताकि वो माया खत्म हो जाए हमेशा के लिए। चिंता मत करो खुशी, मिस्र की धरती पर ऐसी रेत की आंधियों का आना आम बात है। नहीं, ये आम वाली आंधी नहीं बल्कि कोई स्पेशल वाली आंधी है। रेत के शहंशाह इमाया को तुम रेत के ही शहर में हरा कर भाग जाना चाहते हो या खुल्द नजीरा? माँ संभालिए, विवान हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए, तभी हम ताज को जला पाएंगे। गो 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 बालवीर गो, जल्दी निकलते हैं यहां से।
अपनी जान बचा कर तो भाग गए तुम लोग, पर अब ये ताज पहनकर मैं पूरी दुनिया का जीना हराम कर दूंगा। आपको ने याराम। देवकूफ इमाया, तुम्हारे इस बवंडर और बालवीर को भगाने के चक्कर में मेरी दूसरी कुंजी खो गई। मिस्र की धरती से हम सब अपनी जान बचाकर वापस तो आ गए, लेकिन वो काली शक्तियों वाला ताज वहीं पर रह गया। इतने डिसअपॉइंट मत हो बालवीर, खुशी और करुणा जी घर सेफली वापस आ गए हैं, इस पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस करते हैं। बट अनन्या दीदी, अगर एमआईए ने अपनी आर्मी को फिर से जिंदा कर दिया तो हम उसका भी सामना कर लेंगे, क्योंकि तुम दोनों मिस्र से खाली हाथ नहीं लौटे हो। उस काली शक्ति के ताज को जलाने के लिए तुम्हारे पास ये मशाल जो है, वो तो है मां, लेकिन विवान की जादुई शक्तियां इमाया खींच चुका है, और इसलिए वो किसी भी पल अपनी सेना को जागृत कर सकता है, जिससे उसकी शक्तियां कई ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। करेक्ट, अब ऐसे में हम उससे कैसे लड़ेंगे बालपरी? विवान, हर समस्या का हल होता है, और इसका भी है। बालवीर और परियां कब तक लौटेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेले में खोया हुआ बच्चा हूँ। मेरा दिल तो डर के मारे धड़ धड़ कर रहा है। धड़ 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 धड़। मैं सेंद्र की मदद से वीरलोक जाकर शौर्य से परियों और बालवीरों का हालचाल पूछ सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है शौर्य मुझे डांट ही देंगे और कहेंगे कि इतनी जल्दी नहीं घबराना चाहिए। मैं जीत गई। हाँ, यार, स्नेक एंड लैडर से बोरिंग गेम कोई और नहीं हो सकता। और क्या, इसमें सिर्फ लक की वैल्यू है, स्ट्रेटेजी और टैलेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑफ कोर्स, अब देखो कोई 98 पे आया तो स्नेक से कट के सीधा फिसल के वो 13 पे पहुंच जाएगा। तुम लोग इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम बार बार हार जाते हो। खुशी, तुझे बार बार जीतने में बोर नहीं होता? नहीं, लेकिन हमें हार कर होता है। चलो टीवी देखे। हाँ हाँ चलो। टीवी ऑन करना प्लीज। मैं टीवी चालू कैसे करूँ? रिमोट से, और कैसे। वो देख, तेरे सामने रिमोट रखा है, वो देख वहाँ। अच्छा रिमोट। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ये लोग सांप सीढ़ी खेलते खेलते बोर हो रहे थे, मैं थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था। अच्छा विवान बेटा, जरा ये बाहर फेंका, आईना टूट गया है, अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता ना घर में रखना, बाहर फेंका। जी करूँ ना। मेरा मतलब जरूर मार, जरूर जरूर जरूर। मौका मिला है, डुबा डुबा जल्दी निकल ले। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मुझे टूटे आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए था। दबड़ 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 दबड़।
अब शुरू होगी इस दुनिया पर मेरे कहर की सल्तनत। आकुनिप आकुनिप आकुनिप। जब तक ये इमाया की सेना यहाँ से चली नहीं जाती तब तक मुझे यहीं रुककर प्रतीक्षा करनी होगी इस दुर्लभ कुंजी के लिए। मेरे हिसाब से हमें तुरंत वापस मिस्र जाकर इमाया को हरा देना चाहिए और उसके काले ताज को जलाकर उसे हमेशा के लिए वापस कैद कर देना चाहिए। इससे पहले बालवीर यहाँ आ जाए मुझे वो दुर्लभ कुंजी हासिल करनी होगी। अब आगे क्या प्लान करना है इस पे फोकस करें। मेरे हिसाब से हमें तुरंत वापस मिस्र जाकर इमाया को हरा देना चाहिए और उसके काले ताज को जलाकर उसे हमेशा के लिए वापस कैद कर देना चाहिए। पर समस्या ये है कि इमाया की शक्तियाँ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए अब हम सब वहां जाकर चारों तरफ से उस पर हमला करेंगे। मैं और विवान एक ओर से इमाया का ध्यान भटकाएंगे ओके। और परियां दूसरी ओर से इमाया की सेना पर हमला करेंगी यस। और बालवीर तुम पीछे से जाके इमाया की काली शक्तियों वाले ताज पर इस मशाल से हमला करोगे। लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास समय बहुत ही कम होगा क्योंकि मैं और परियां इमाया की सेना को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। ठीक है माँ। अब मेरी लाइफ और दुनिया का फ्यूचर आपके हाथों में। अगर आपने टारगेट मैच किया तो इमाया मुझे मम्मी बनाकर ताबूत में दफन कर देगा। चिंता मत कर, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही वो काली शक्तियों वाला ताज जल जाएगा हम सब मिलकर इमाया के शरीर से विवान की शक्तियां वापस ले लेंगे और फिर इमाया एक कमजोर मम्मी बन जाएगा और हम सब मिलकर उसे हमेशा के लिए फिर से दफना देंगे। और फिर बालवीर बड़ी आसानी से मिस्र के पिरामिड में वो दूसरी दुर्लभ कुंजी हासिल कर लेगा। सॉलिड प्लान है, लेट्स गो। असली कुंजी हमारे पास है, पास है, पास है। ये लोग मारे मारे नकली कुंजी पाकर पाकर पाकर। क्या हुआ ध्वनि परी, सब ठीक तो है? बालवीर हमें फिर से कुछ दृश्य नजर आ रहे हैं लेकिन अभी भी साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि तिमनासा ने इन दोनों पर भ्रमक जादू डाला है ताकि इनका ध्यान भटका रहे और हम सब यहाँ उलझे रहे। तुम दोनों अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं हो इसलिए तुम दोनों यही रुको। ठीक है बालवीर, जो योजना बना रही है बना लो। अब तक तो तिलनासा ने दूसरी कुंजी हासिल भी कर ली होगी। बेवकूफ, इमाया की वजह से वो दुर्लभ कुंजी मेरे हाथ से नीचे गिर गई। अब इस दुनिया में शुरू होगी मेरे कहर की सल्तनत। आकुनिप आकुनिप आकुनिप। मिस्र की सरजमी से अब जो तूफान उठेगा वो इस पूरी दुनिया को तबाह करके ही रुकेगा। मेरी फौज के रास्ते में आने वाला हर मुल्क हर शहर अब मेरा गुलाम बन जाएगा। गुलाम माय फुट। तिमनासा,
ये लोग तो 1-2 का 4 हो रहा है। आज तुम्हारी लड़ाई तिमनासा से नहीं बल्कि इमाया की शक्तिशाली फौज से है। विवान, विवान, तुम वीर लोक वाले माया की फौज का सामना नहीं कर सकते। बस कुछ ही देर में वो दुर्लभ कुंजी मेरे पास होगी। बेवकूफो, मुट्ठी में पानी भरकर ज्वालामुखी को बुझाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। बेवकूफ हो तुम। आ गए बालवीर। यही मौका है इमाया के काले ताज को भस्म करने का। मैंने तो सुना था कि अच्छाई के पहरेदार कभी भी पीछे से वार नहीं करते। तुम शायद भूल रहे हो बालवीर कि तिमनासा भले ही यहाँ है लेकिन तिमनासा की दोनों आंखें यानी कि रे और भैमार अभी भी भारत नगर में है जो मुझे पल पल की खबर दे रहे हैं। नहीं, और ये वीर-लोक वाले नकली कुंजी पाकर खुशी में ही मस्त हुए जा रहे। हाँ, याद आया, मुझे भी याद आ गया, हमारे पास नकली कुंजी है और इस बात की खबर हमें जल्द से जल्द शौर्य को देनी होगी। हाँ चलिए। कहाँ 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 चली परियो? तो नहीं परी, ये सीन तो बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हो गया। कभी कभी भगवान बोरिंग कहानी लिख देता है। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत रोमांचक मोड़ आने वाला है। ज्वाला परी, क्यों धनी परी, कैसा लग रहा है शीशी के अंदर? ये परिया तो बन गई शीशी की जिन। मैं अभी जाकर ये बात बहराने को बताता हूँ।
इस बात का पूरा श्रेय मैं ले लूंगा। सत्यानाश, अब चलते हैं मेरी सफलता से। अगर ये बोतल नहीं मिली ना, तुम्हारी मौत पूरा काल लोक देखेगा। बीमार, पहले इस ज्वाला परी को काल लोक प्रासर करते। अरे इसमें मेरा क्या दोष है? चल कुकड़े कहीं के। दबड़ 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 दबड़। मैं यही चुप जाता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना ले। दबड़ 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 दबड़। अरे दबड़ दबड़। डूबा डूबा, मैं यहाँ हूँ। दबड़ दबड़। डूबा डूबा। अरे ये तो आपातकालीन स्थिति बन चुकी है। डूबा डूबा। मुझे इस यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर लोग जाकर अपना रूप ठीक करके वापस आना पड़ेगा, नहीं तो मैं कर्ण जी को क्या जवाब दूंगा? तपड़ 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 तपड़। डूबा डूबा। तुम लोग शायद ये भूल गए थे कि जहाज चाहे कितना भी बड़ा हो, पर समुद्र की एक लहर उसे जब चाहे डुबो सकती है। और अब मैं तुम्हारी जिंदगी की नाव को डुबोऊंगा। यही सही मौका है माया के ताज को हमेशा के लिए नष्ट करने का। चाहे एक गज से चूके या फिर 100 गज से, अगर निशाना चूका तो बाजी पलटी समझो। नहीं, नहीं नहीं नहीं। इमाया, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि अच्छाई के रक्षक बुराई का समुंदर तैर कर भी पार कर सकते हैं। उन्हें किसी जहाज या फौज की जरूरत नहीं होती। नहीं 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 बालपरी, जल्दी से माया के शरीर से मेरी शक्तियां वापस खींचे। Yeah!
बहुत अच्छे विमान। वही दुर्लभ कुंजी है, लेकिन ये यहां कैसे? अरे कहां गई, कहां गई ये? रे धोनी परी, लेट्स गो। मुझे आजाद करो, यहां दम घुटता है मेरा। क्यों बाहर निकाले? ताकि तुम यहां से बाहर निकल के पूरी दुनिया का दम घोट सको। थैंक्स बट नो थैंक्स। अब इस ताबूत को बंदी लोक में ले जाकर छोड़ देंगे, ताकि कभी भी कोई भी इस दानव को मुक्त ना कर सके। हाँ मां, उसे तो हम काबू में कर चुके हैं, लेकिन वो दुर्लभ कुंजी आखिर रेगिस्तान के बीच में आई कैसे? हो सकता है ये चाबी पिरामिड से बाहर निकले किसी मम्मी के शरीर में छुपा कर रखी गई हो, या ये भी हो सकता है कि ये किसी अस्त्र में छुपी हो और जब वो लड़ाई करने बाहर आए थे तो ये चाबी भी बाहर आ गई हो। हाँ, ये पॉसिबल लगता है। मुझे भी यही सच लगता है, क्योंकि अगर तिमनासा को इस चाबी के बारे में पता होता तो वो इसे लिए बिना नहीं चली जाती। इतने मूर्ख हो तुम लोग, दुनिया के रक्षक बने फिरते हो लेकिन आंखों के सामने झूठ पहचान नहीं पा रहे हो। बाय द वे, आप दोनों को अभी भी कोई फ्लैशेस आ रहे हैं क्या? फ्लैशेस तो बहुत जल्द तुम लोगों को दिखेंगे अपनी डेथ के। नहीं अनन्या, हमें जो दृश्य नजर आ रहे थे वो तिमनासा की चाल थी, ताकि हमारा ध्यान भटका रहे। हाँ, अब बालपरी, अगर आप चाहे तो ये ताबूत हम बंदी लोक में जाकर पहुंचाए। नहीं, तुम दोनों पर दृश्यम जादू का असर अभी अभी उतरा है। तुम दोनों इस दुर्लभ कुंजी को लेकर वीरलोक चले जाओ और आराम करो। यस, इस ताबूत को बंदी लोग तक और भी बढ़िया पहुंचा सकती हैं। आप लोग जाके रेस्ट करिए। बहुत खूब, तुम दोनों ने तो इस हारी हुई बाजी को ही पलट दिया। क्वीन तिमनासा, मैं तो सच्चाई की पूरी दुनिया को ही पलट देना चाहता हूँ। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा रे, पर उससे पहले हमें इस दुर्लभ कुंजी की एक नकली छवि बनाकर वीर लोग पहुंचानी है, ताकि वो लोग खुश होते रहें और खुश होते होते उनकी दुनिया अचानक से खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। शक्ति कुंज की चार दुर्लभ कुंजियों में से पहली दो कुंजी हुई मेरी, बस दो कुंजी और फिर होगा धरती का सर्वनाश। क्या बात है शौर्य, हम दो दुर्लभ कुंजियों को हासिल कर चुके हैं, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? शौर्य,
मेरे ख्याल से अब हमें इन सबको पूरी बात बता देनी चाहिए। पूरी बात? मुझे पिछले कुछ दिनों से बार बार एक भयानक पूर्वाभास हो रहा है, जिसमें तिमनासा के हाथों में इलुहा माया जाल के अंदर छुपी शक्ति आ चुकी है। मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया कि इलुहा की चार दीवारों के अंदर जो शक्तिपुंज है, अगर वो तिमनासा को मिल गया तो ये धरती आकाश पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो फिर शौर्य, अब जल्दी से हमें तीसरी चाबी की लोकेशन बता दीजिए, हम तुरंत जाकर तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा विवान। लेकिन शौर्य, हम पहले ही कई खतरों का सामना कर कठिन परिस्थितियों से गुजर कर दो दुर्लभ कुंजियों को हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस बार स्थिति कठिन नहीं, लगभग असंभव होगी, क्योंकि तीसरी छवि निर्जीव नहीं बल्कि एक दानव के रूप में हिमलोक में छुपी है, और इस दानव का नाम है टिक टिक। मुझे फिर से वही विनाश का दृश्य दिखाई दे रहा है। कुछ भी करके हमें उस तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो फिर शौर्य, अब जल्दी से हमें तीसरी चाबी की लोकेशन बता दीजिए, हम तुरंत जाकर तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा विवान, क्योंकि तीसरी छवि निर्जीव नहीं बल्कि एक दानव के रूप में हिमलोक में छुपी है, और इस दानव का नाम है टिक टिक। अब ये खबर सुन के तिमनासा खुश हो जाएगी। टिक टिक तो किसी टाइमर बॉम्ब के अलार्म जैसा नाम है। टिक टिक किसी विस्फोटक से ज्यादा खतरनाक दानव है। आज तक जो भी उसे पकड़ने हिमलोक गया है वो वापस नहीं आ पाया है। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां है उसके पास जो आज तक कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया? उस दानव की शक्तियों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ओ, इसका मतलब हमें उससे लड़ते हुए उसकी कमजोरियों के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन शौर्य, आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि वो टिक-टिक मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर वाले रूप से चाबी वाले रूप में कैसे कन्वर्ट होगा। टिक-टिक की शक्तियां केवल जादुई लोक में ही काम करती हैं, इसलिए अगर उसे धरती पर लाया जाए तो उसका दानव रूप कुछ ही वक्त में पिघल जाएगा और वो एक निर्जीव छवि बन जाएगा। बिल्कुल किसी शार्क की तरह जिसकी पावर सिर्फ पानी के अंदर होती है। लेकिन ध्यान रहे, वो दानव दुर्लभ कुंजी के रूप में आने के बाद धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वरना धरती का स्पर्श लगते ही वो कुंजी धमाके के साथ नष्ट हो जाएगी। फिगर नॉट शौर्य, पार्टनर ने आज तक एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया है, तो एक ही भी ड्रॉप नहीं होने देंगे। लेकिन शौर्य, प्रश्न ये है कि जब वो दानव पिघल कर वो दुर्लभ कुंजी बन रहा होगा, तब उसे भारत नगर के लोगों से कैसे बचा कर रख पाएंगे हम? इस कार्य में डुबा डुबा हमारी सहायता करेगा। साथ में किस्मत का खेल है। अरे लूट लो भाई, लूट लो, लूट लो भाई, लूट लो। सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारा माल है, एकदम बिकाऊ। यादव यू, ओ भाई, एक काम करो ना, ए फटाफट दो दर्जन झाड़ू दे दो। एक पैकेट और ले लेते हैं ना। हाँ बस कीजिए अभी। हम अब और इतने सारे अनाज, इतने सारे तेल काम करेंगे क्या? बोलो नहीं, सुनो, इतना सस्ता सामान मिल रहा है तो अगले हफ्ते हम कुछ जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना खिला पाएंगे ना। हाँ ये भी सही बात है, सेल के टाइम भी आप अपना नहीं लेकिन दूसरों का फायदा देख रही। अगर ये बात सबको समझ में आने लग जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। बंपर सेल है, साथ में किस्मत का खेल है। हाँ, आप सबको जो सामान दिया गया है उसके साथ में एक स्क्रैच कार्ड मिला है,
और भाई और बहनों, ये स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच कीजिए और अपनी किस्मत आजमाइए। हाँ। अरे कीजिए कीजिए, स्क्रैच कीजिए। एगो असली गोवा मिल गया मुझे। गोवा, ओ गिर पड़े। हमको भी गोवा ट्रिप ही लगी है। हाँ। हमें भी। अच्छा सबको। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप सबकी ट्रेन की टिकट आज शाम तक घर तक पहुंच जाएगी। शाम तक मिल जाएगी, तो तैयारी कीजिए, कल आपको निकलना है। कल सुबह निकलना है। हाँ हाँ। हेलो हेलो, सब लोग घर में जाके बेकिंग बेक तो करनी है। आला आला निकलो बना। अरे चले चले चले। माँ एक्चुअली मैं आप सबके साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल से मेरे कॉलेज की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। ठीक है तो फिर हम भी नहीं जाते। अरे नहीं माँ, आप सब जाइए ना, फैमिली सब एंजॉय करना, मैं एग्जाम से इसलिए नहीं आ पाऊंगा। बहू ऐसा मत करो, 1990 से मैं गोवा जाने का सपना अपने मन में पाल रहा हूँ, कम से कम उस सपने को तो पूरा होने दो। हाँ माँ प्लीज, ये फ्री की ट्रिप कैंसिल मत कीजिए। अब जब मेरी पूरी पलटन ही ट्रिप पे चली जाएगी तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा। ठीक है चलो। भारत नगर को खाली कराने का प्लान तो कामयाब हो गया, अब टिक टिक से मिलकर तीसरी दुर्लभ कुंजी को जल्द से जल्द हासिल करना होगा। बहुत अच्छी खबर लेकर आए। थैंक्स क्वीन टिम्नासा, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? कुछ भी नहीं, अब हमें बस कल तक इंतजार करना है। जैसे ही कल बालवीर उस दानव को पकड़कर भारत नगर लाएगा, हम लोग उस दानव का अपहरण कर लेंगे और पहले की तरह असली कुंजी को नकली से बदल दें। ए, इसका मतलब गाय देगी दूध और पनीर खाएंगे हलवाई। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ज्वाला परी, ये बात हमें जल्द से जल्द शौर्य तक पहुंचानी होगी। पर कैसे ध्वनि परी, हम तिम्नासा के चंगुल से कैसे बाहर निकल पाएंगे? को अपना जीवन मुझे लगने लगा है कि वो हिमलोक में मेरी नींद खराब करने आया है। मैं बालवीर और यहां पर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। तुम समंदर को कटोरे में भरकर ले जाना चाहते हो, बच्चों जैसी बात कर रहे हो। बच्चा होने में बुराई क्या है, आखिर बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं। नफरत है मुझे तुम्हारे भगवान से, क्योंकि वो खुद दुनिया बनाकर ना जाने कहां सोने चला गया। निकल जाओ यहां से बालवीर, निकल जाओ। देखो मतलब टिक टिक के पास समय को कुछ पल के लिए पीछे करने की शक्तियां है। कहां छुप कर बैठे, कहने को तो बहुत बड़े दानव लेकिन बालवीर की शक्तियों से डर गए। हिम्मत है तो सामने आओ। हाँ।
तुम अच्छाई के रक्षक हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। तुम्हारी धमकियां सुनने का समय नहीं है मेरे पास। चलो मेरे साथ। तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन मेरे पास समय ही समय है। ये लो। टिक टिक अपनी चाल से बार बार समय को पीछे ले जा रहा है। मुझे और घातक वार करना होगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हिमलोक से ले जाने आए थे तुम मुझे, और अब बर्फ के अंदर बालवीर की कब्र बन गई। हाँ हाँ शालिनी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब रिंकू का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? नहीं नहीं, आप अपना मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए शांति से, हम तक तो सेट पर चढ़ाते हैं, है ना? आपको रिंकू से बात करनी है? एक मिनट दीजिए मुझे। पता नहीं, देखो भाई मेरा तो मिल गया ना 17-18। जो पॉइंट ए से चालू होकर बी सी डी ई को क्रॉस करके पॉइंट जेड पर पहुंच जाता है। अरे रिंकू, तुम्हारी मम्मी यहाँ होती ना तो तुम्हें थप्पड़ इफेक्ट दिखाती। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे दादाजी, दादाजी, दादाजी की जान लोगे क्या? मेरा अल्फाबेट के कैपिटल एम ए से छोटा ए बना दोगे? दादाजी आप ठीक तो ना? अरे रिंकू, ये करुणा मैं तुम्हारी मम्मी से फोन पे बात कर रही थी, और पता नहीं इतने दिन में अचानक किसी ने उसे जोर से पीछे से धक्का दे दिया। बोलो। अरे सॉरी 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 मिश्रा जी, सॉरी गिड़बड़ जी, वो अचानक धक्का लग गया पीछे से मुझे। कोई बात नहीं करुणा जी, ऐसे छोटे छोटे डब्बों में बड़ी बड़ी धक्का मुक्की होती रहती है। अरे बहू, इसमें किसी को सॉरी थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी कहां कुछ टूटा फूटा है। मेरे अरे दादाजी, वैसे हम कितने सालों से प्लान कर रहे थे कि गोवा जाते हैं, गोवा जाते हैं, और आज देखिए बिना प्लान के ये मौका मिल गया। कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। खुशी का है? अरे ये दो बातें अलग है, गिर पड़े। कॉफी कॉफी है दादाजी। चलो सामान सामान ले लेते हैं। अरे सामान सामान जाना तू। अरे ये विंडो सीट खाली करनी है। क्यों? तुम दोनों ने रिजर्वेशन करवाई है? सुनली, चुप चाबी सीट खाली कर दे, वरना वरना क्या? हाँ वरना क्या? विवाद तुम्हारे बीच में बताओ। अरे मैं बीच में कहाँ पड़ रहा हूँ, मैं तो यहाँ साइड में खड़ा हूँ। एक्चुअली चिंटू चिंटी, तुम दोनों बीच में आ रहे हो, क्योंकि मैं और सुतली विंडो सीट पर पहले से बैठे हुए हैं, और तुम दोनों हमें जबरदस्ती उठने को कह रहे हो।
मेरा सीट नंबर 11 है और सुतली का 12, तो हम अपनी सीट पे बैठे हैं ना। अरे लेकिन एडजस्टमेंट भी तो कोई चीज होती है ना। हैं? मेरी बात सुनो खुशी, खुशी खुशी सीट को खाली कर दो, ओके? तुम लोग ऊपर वाली सीट पे बैठ जाओ, है ना? हमें विंडो सीट दे दो। अच्छा ठीक है, ये लोग उठ जाएंगे। लेकिन चिंटू तुम्हें विंडो सीट से इतना क्या लगाव है? आखिर करोगे क्या तुम वहाँ बैठ कर? हवा खाऊंगा, तुम्हें क्या? पहले से भरी हुई कम है क्या? क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चिंटू अब जब ट्रेन शुरू हो जाएगी ना तो जी भर के हवा खाना, ओके? अरे यार कोई तो मुझे निकालो। अरे चिंडी खींच। क्या वो चिंटू विंडो सीट अच्छी लगी कि नहीं? नहीं 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 नहीं, मुझे विंडो सीट चाहिए ही नहीं, मैं ऊपर वाली बर्थ में आराम कर लूंगा, है ना? तुम लोग एंजॉय करो। ओ तुम तो ना नीचे आने वाले हो क्या? ठीक है मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। चल चिंटी। अरे तुम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम लोग रेल की सवारी नहीं बल्कि अपनी मौत की सवारी कर रहे हो। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। ट्रेन आज समय से पहले कैसे निकल गई? अभी तो 10 मिनट बाकी है। टिंडी, अरे टिंडी जी, आइए 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 आइए। ये क्या हो रहा है? हम ट्रेन के लोको पायलट यहाँ स्टेशन में हैं और ट्रेन खुद चल पड़ी। अब ये दोनों बालवीर इस रेल को रोकने के लिए यहाँ पर व्यस्त रहेंगे और वहाँ रे और भैमार अपना काम पूरा करेंगे उस कुंजी को प्राप्त करने का। ये ट्रेन चला कौन रहा है? पर वो पता नहीं, लेकिन ट्रेन में चलो जल्दी, अगर ट्रेन गई तो ट्रेन भी जाएगी और नौकरी भी। चलो चलो। अब इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई जा सकता है, ना इस गाड़ी से कोई बाहर आ सकता है और ना ही ये गाड़ी रुक सकती है। बर्फ के नीचे क्या कर रहे हो बालवीर? चाबी ढूंढ रहे हो क्या? अपने मुंह से बड़ा फल चबाने वालों के अक्सर दांत टूट जाया करते हैं, लेकिन अब तो शायद तुम्हें अकल। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों पे हाथ नहीं उठाते? मुझे थोड़ा अनुशासन सिखाना पड़ेगा तुम्हें। मेरे समय को पीछे करने वाली शक्ति तो तुम देख ही चुके हो, अब दूसरी शक्ति भी देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने के लायक नहीं रहोगे। अगर ये और थोड़ी देर मेरी आंखों में देखता रहा तो मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे जल्दी इसे रोकना होगा। Thank you.
समय को घुमाने का बहुत शौक है ना तुम्हें, अब तुम भी थोड़ा गोल गोल घूम लो। तुम्हें देखकर लगता है डर और दर्द का मजा पहली बार मिला है तुम्हें। चलो हार का स्वाद भी चखा देते हैं तुम्हें। अब और देर के लिए समय तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं है। दानव के रूप में तुम्हारा जीवन समाप्त हो, अब बाकी की जिंदगी दुर्लभ कुंजी बनकर गुजारना। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? वहीं जहाँ तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। माँ, आप इस यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है। आप इस यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है। बालवीर, अब जब तक ये दानव पूरी तरह से पिघलकर दुर्लभ कुंजी नहीं बन जाता, हम सब इस पर नजर रखेंगे। लेकिन बालपरी, हमें पता कैसे चलेगा कि ये दानव चाबी बनना शुरू हो गया है? इसके हाथ पे लगे इस निशान से जैसे जैसे इसकी शक्तियां कम होती जाएगी, ये निशान कमजोर पड़ता जाएगा। हिम्मत है तो मेरी इन आंखों में देखो। नहीं, आप इसकी आंखों में मत देखिए, ये इसकी चाल है। अगर आपने इसकी आंखों में देखा तो आपकी दृष्टि जा सकती है हमेशा के लिए। तैयार हो जाओ रे। अब जैसे ही चाबी तैयार होगी, हम उसे नकली चाबी से बदल कर यहां से ले जाएंगे। बट जब तक बालवीर यहां है, हमारा टास्क इजी नहीं होगा भाईमान। चिंता मत करो रे, तिमनासा ने बालवीर को भारत नगर से दूर रखने की पूरी तैयारी कर ली है। अरे चिंटू, फिल्म लाल पत्थर का सॉन्ग है ये। और गाना गाया था किशोर कुमार जी ने, म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और लिरिक्स लिखी थी देव कोई जी ने। बिल्कुल सही कह रहा है। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी, तब मैं कॉलेज में हुआ करता था। और लाल पत्थर इस फिल्म का नाम था। और लाल पत्थर से मुझे याद आया कि लाल किले की परेड में उस वक्त। थैंक यू दादाजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माँ 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 से गाना गाओ चिंटू, चिंटी तुम्हारी बारी। माँ से गाना ना, माँ से। आपको तो सांप ने काट डाला। करुणा जी, आप तो 74 से सीधा 7 पे। हाँ हाँ ठीक है, चलो
चलो बच्चों अब कुछ नाश्ता कर ले, मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। अरे रुकिए करुणा जी। अरे अरे लेकिन मैं आलू पूरी लेकर आई हूँ। अरे करुणा जी आपकी आलू पूरी भी खा लेंगे, पर अगला स्टेशन आते ही कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स खा लेते पहले। चलो चलो चलो। क्यों बच्चा? मैं ढोकला समोसा ब्रेड लेट खाऊंगा और मैं पाव भाजी पानी पूरी बर्गर फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम खाऊंगी। हाँ। मैं वॉफल्स भी खाऊंगा। अरे बच्चों चिंटू चिंटी ये रेलवे स्टेशन है, कोई होटल या खाऊ गली नहीं है। मामा मैं बस एक मैंगो जूस लूंगी। अरे बच्चों सब कुछ मिलेगा, ये देखो स्टेशन भी आ गया। अरे क्या हुआ दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो शायद ये वाला दरवाजा ना जाम हो गया, वो वाला कहीं। अच्छा ठीक है। अरे ये भी जाम हो गया, ये भी नहीं खुल रहा है क्या? अरे स्टेशन तो गया, गाड़ी क्यों नहीं रुकी? क्या? अरे गाड़ी का नंबर नहीं है। ओ नो, अगर ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया तो हम सबको रिपल इफेक्ट वापस देखने को मिलेगा, तो सब लोग तस्ती पकड़ लो चीजों को। ये ट्रेन स्टेशन पर रुकी क्यों नहीं? अरे क्या टीटी सर, जो सवाल हमें आपको पूछना चाहिए वो आप हमें पूछ रहे हैं। अरे गिर पड़े, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये कोई छेड़खानी का समय नहीं है, बिहेव योरसेल्फ। अरे टीटी सर आप ड्राइवर को पूछिए ना कि उन्होंने ट्रेन स्टेशन पर रुकी क्यों नहीं। लोको पायलट जवाब दीजिए, ट्रेन आपने स्टेशन पर रोकी क्यों नहीं? लोको पायलट कमिन, आप लोग ट्रेन की चेन कीजिए, चेन कीजिए आप। ये क्या चेन खींचने के बाद भी ट्रेन रुकी नहीं? लगता ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके। इससे पहले कि ये लोग और पैनिक हो और हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, उससे पहले मैं मैजिक से ही ट्रेन को रोक देता। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। अब इस जलती हुई रेल को बुझाने बड़े बालवीर को भी आना पड़ेगा। अफसोस कि वो इस रेल को बुझा तो नहीं पाएगा लेकिन उसकी उंगलियां जरूर जल जाएंगी और इस जलती रेल की आड़ में मेरी योजना सफल हो जाएगी। सभी लोग आग से दूर हैं, तो मैं फिर से जादू से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ सीट्स और लगेज के जलने के कारण ये इतना जोर का धमाका कैसे हो रहा है? अरे आप सिर्फ सवाल ही पूछते हैं कि जवाब भी देते हैं कभी? इससे पहले कि पीछे डब्बों में लगी आग यहां तक पहुंचे रुकवाइए ट्रेन को। इसका मतलब मेरे मैजिक का उल्टा असर हो रहा है, मैं जब भी आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे मैजिक से आग और भी ज्यादा भड़क रही है। माँ परियो हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि अगर टिक टिक दुर्लभ कुंजी बनते धरती को छू गया तो शौर्य के कहे अनुसार
वो दुर्लभ कुंजी भस्म हो जाएगी। मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। वाह, दाद देनी होगी मुझे तुम्हारे अहंकार की। अभी थोड़ी ही देर में तुम पिघल कर सजीव से निर्जीव बनने वाले हो और हमें चेतावनी दे रहे हो। कोच की सारी खिड़कियां खुली हुई हैं, हमें दरवाजे भी खोल देने चाहिए। नहीं नहीं दादाजी, दरवाजा खोलेंगे तो कुछ और गड़बड़ हो सकती है। लेकिन दरवाजा नहीं खोलेंगे तो कंपार्टमेंट में धुआं भर जाएगा। अरे एग्जैक्टली, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस होती है। आई थिंक हमें एक तरफ का दरवाजा खोलना चाहिए ताकि जहरीली हवा अंदर ना भर जाए। गुड आइडिया, गुड आइडिया। चल 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 चल, अरे खोलो खोलो, फटाफट खोलो। ये खुल क्यों नहीं रहा? यहाँ का जो दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। यहाँ का भी नहीं खुल रहा है। क्या करें? चलो चलो दूसरे कोच पे चलो। चलो चलो दूसरे कंपार्टमेंट में चलो। आज आपको क्या हो गया? बार बार क्यों पतंगी की तरह आग में घुसना चाहते हैं? वहां चलिए ना। चलो ये सब गड़बड़ क्यों हो रही है? कहीं रिंकू आग में तो नहीं रह गया? विवान, तू रिंकू को बचाने के लिए आग में गया था? मां पहले रिंकू को होश में लाते हैं, फिर क्वेश्चन पूछेगा। फिर रिंकू, करुणा जी आपका बेटा बहुत हिम्मत वाला है। शाबाश विवान, कीप इट अप। लेकिन हम सबके जान, अब इस जलती ट्रेन से कैसे बचाऊंगा मैं? रिंकू, रिंकू, मैंने अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर कंट्रोल रूम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ट्रेन बिना लोको पायलट के चल रही है। क्या क्या बात कर रहे हैं दादाजी? इसका मतलब तो ट्रेन कभी भी पटरी से गिर सकती है। अब क्या होगा? अब हमें आगे के डिब्बों की तरफ बढ़ना चाहिए। आग तेजी से बढ़ रही है। चलो, लेकिन ऐसे एक डब्बे से दूसरे डब्बे में कब तक भागते रहेंगे? हाँ, और फिर छेले डब्बे में पहुँचने के बाद तो जगह भी नहीं रहेगी, तो फिर भाग के जाएंगे किधर? अरे हो सकता है छेले डब्बे में पहुँचे उसके पहले आग बंद हो जाए। अरे पर आग पहुँचेगी कैसे? फिर से सवाल ये गिर पड़े। इस बार बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे चलती ट्रेन में फायर ब्रिगेड कैसे आग बुझाने आएगी? हाँ, वो तो है।
अरे मिश्रा अंकल फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती तो क्या बालवीर तो आ सकते हैं? हाँ हाँ चल उसको बुलाते हैं। माँ खुशी सुतली और बाकी बच्चे मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं, लगता है वो किसी मुसीबत में है। बट ऐसे कैसे पॉसिबल है, बच्चों के साथ तो विवान भी है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि विवान वहाँ खुद किसी मुसीबत में पड़ गया हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं जांच करके आता हूँ। लेकिन बालवीर अभी अभी हमें यहाँ दुर्लभ पूंजी मिलने वाली है, और इस समय तुम यहाँ से चले गए और कोई अनहोनी हो गई तो? नहीं माँ आप चिंता मत कीजिए, यहाँ से जाने से पहले मैं घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगाऊंगा, जिससे अगर कोई भी बुरी शक्ति अंदर आने की कोशिश भी करेगी तो वो भस्म हो जाएगी। ओह नो भयमार, सुना तुमने? अगर हम भी बालवीर की शील के अंदर रहे तो हम भी जल के भस्म हो जाएंगे। सुना मैंने, और मेरे पास इसका हल भी है। बालवीर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं और ज्वाला परी भी बाहर जाकर बालवीर के बनाए हुए रक्षा कवच पे नजर रखें। हाँ ये ठीक होगा। ठीक है चलिए। के ऊपर तो शील्ड लग गई है, अब टिक टिक को बाहर कैसे लाएं? इसके लिए हमें तिमनासा की सहायता लेनी ही होगी। बारह तेरह चौदह हाँ सब लोग कंपार्टमेंट में आ गए। हाँ। तुमने ठीक से गिना है ना, पिछली बार की तरह कोई छूट तो नहीं गया? नहीं नहीं दादाजी कोई नहीं छूटा है। हाँ। रिंकू भी आ गए। लेकिन हमारे बुलाने के बाद में क्यों नहीं आया? दिल से बुलाया बालवीर आए। विवान के होते हुए इस रेलगाड़ी में आप कैसे लग गए? बालवीर प्लीज अपना मैजिक यूज करके ये फायर बुझा दीजिए। हाँ बालवीर प्लीज प्लीज। मैं अब टेलीपैथी से भी पार्टनर को वार्निंग नहीं दे सकता क्योंकि मैजिक किया तो आग और बढ़ जाएगी। जादू किया तो आग और भड़केगी, टिम्मी आंटी की चाल है ये। ओह इसलिए विवान भी कुछ नहीं कर पा रहा।
बालवीर उस टिक-टिक दानों को पकड़ के ले आया है। दो दुर्लभ कुंजियां वीरलोक में है, लेकिन फिर भी मुझे विनाश का दृश्य दिखाई देना बंद क्यों नहीं हो रहा है। डूबा डूबा। हाँ, जी शौर्य, आज्ञा दीजिए। तुम इसी वक्त धरती लोक जाकर बाल परी को मेरा संदेश दो कि वो लोग सावधान रहें। तिमनासा उनके हाथों से टिक-टिक दानों को छीनने का प्रयास अवश्य करेगी। टिक-टिक दानों के पास जाऊं, वो भी अकेले? दबड़ दबड़ मेरा दिल दबड़ दबड़ कर रहा है। डूबा डूबा। ठीक है ठीक है, आपातकालीन यंत्र की मदद से अभी धरती लोक पर जाता हूँ। ऐसे तुम्हारा अपना चहिता बालवीर धोबी के गधे की तरह कभी इधर कभी उधर भाग ही रहा है। बस एक बार भैरानी जीत जाए फिर मैं तुम दोनों को अपना नौकर बना के रखूंगा। मैं मालिक, तुम दोनों नौकर है। ए, पानी ला, मेरे पैर दबा। जीना हराम कर दूंगा तुम दोनों का, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी नींद ले लेता हूँ। थक जाता हूँ ना। ये परियों की रखवाली करना बहुत ही उबाऊ काम। चल तोबा तोबा सो जा। ज्वाला परी, इससे पहले की मूठ जागे हमें इस शीशे को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। पूरी शक्ति लगा दो ध्वनि परी। जादू ना सही, अब ये बड़ा चुंबक इस रेलगाड़ी को रोकेगा। मौत।